स्वयं का आशियाना पाने की लालच में कोई बेघर तो कोई उधार की सामग्री लेकर कर्जदार बन गए। हालात यह हो गए हैं कि ग्रामीणों के स्वयं के आशियानों का सपना पूरा करने की योजना अब ग्रामीणों के लिए दुखदायी होने लगी। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है। इस योजना के नए नियमों के अनुसार दो पहिया वाहन धारक व व्यावसायिक उपकरण धारक भी योजना से अपात्र किए जा रहे हैं। BNN टाइम्स की टीम ने खैलनांजी जनपद क्षेत्र के ग्राम चिकला बांध के कुछ हितग्राहियों से चर्चा की तो पता चला कि कुछ ग्रामीणों ने पक्के आवास की चाह में पुराने कच्चे मकान ढहा दिए हैं। सर ऐसा है, अपन ने जो मतलब मकान उठाए पहली किस्त उठाई 40,000 की, उसमें अभी हमने जो मटेरियल लगाया उसमें 17-18 हज़ार लगा चाहिए इसकी, क्योंकि तब पैसा तो मतलब इसी में लग गया अपने को। हमने मकान खोलने में 5-6 हज़ार तीन लग गए वगैरह उठाए सब, पूरा 3 फीट है, गड्ढा भी है ठंडा सा, पैसे नहीं मिल रहे इसलिए काम तो कम हुआ है। मकान तोड़ के बैठे हुए घर के नीचे रहना पड़ेगा सर, अपने को मकान तोड़ा मैंने एक ही खोली का मकान था मेरा, जगह भी नहीं है बनाने के लिए, कहाँ बनाएंगे। वहीं पहली किस्त और कर्ज से कुछ ने निर्माण तो करवा लिए हैं लेकिन अब राशि के अभाव में वे निर्माण पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। मकान बनाए हैं सर हमने, अब सब कर्जे वाले बोल रहे हैं हमको पैसे दो, कहाँ से देंगे, पैसे ही नहीं मिल रहे आगे से। और वो पहले के हिसाब 40,000 की मिली है। हाँ, और 65,000 रुपया हमारा खर्च हो चुका है, अगर नहीं बनेगा तो हमको छाड़ के नीचे रहने में रहना मत है जी। तो कितने कर्जा लिए थे उधार आपके पास? 20,000 का भी कर्जा है जी हमारे पे। कर्जा है जी। तो वैसे में अगर मान के नहीं मिला पैसा जी, मकान भी आधा पड़ा है, तभी आपके रहने की दिक्कत है जी। हाँ, कहाँ रहते हो? झाड़ के रहने पड़ेगा साहब हमको तोड़ दौड़ के फिर। अभी कहाँ रह रहे हो? अभी तो हम कोठे में रह रहे हैं। कोठे में रह रहे हो जी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़कर लाभ दिलाया जाएगा। देखिए शुरू से जब ये योजना आई तब से आवास ही 0 रूम कच्चा और 1 रूम कच्चा तक की हितग्राहियों को हम कवर कर रहे हैं, यही हमारा मेन मापदंड रहा है। और अभी जो 13 बिंदुओं के आधार पर जानकारी जो प्राप्त की जा रही है वो 13 बिंदुओं के मापदंडों को ध्यान में रखकर के चयन किया जाना है नए लक्ष्य में। और यदि पुराने लक्ष्य में भी ये 13 बिंदु कहीं फंस रहे हैं हितग्राही तो उसके हिसाब से भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये 13 बिंदु जो है इनमें बहुत स्पष्ट कर दिया गया है जिससे कि लोगों को इसमें बहुत नुकसान नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए उनके 2016 के पहले का मोटरसाइकिल है या वो जैसे उनके पास में जो मोटर है या कुआ है उसको सिंचाई उपकरण नहीं माना जा रहा है, ऐसे कई सारे स्पष्टीकरण है उसमें जिसके आधार पर व्यक्ति को उसमें लाभ भी किया जा सकता है। मैडम ये भी पहली किस्त हितग्राही को जारी हो गई है, उसके बाद में उनका संशय की स्थिति बनी होगी, उनका नाम काटा जाएंगे कि वो इसमें नियम के तहत नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या उनसे रिकवरी की जाएगी उस पैसे की? प्रशासन के रिकवरी की जाएगी। हाँ, चूँकि यदि वो 13 बिंदुओं पर उसका नहीं है, लेकिन उसमें एक और चीज़ कही जा रही है कि यदि किसी का इस तरह से जारी हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास लोन हम दे करा सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री आवास में कवर करा, उससे जो है उसका सब्सिडी वाला जो पार्ट है उसमें कवर हो जाएगा। PM आवास की किस्त नहीं मिलने के कारण हितग्राही अब मजबूर है पेड़ के नीचे रहने के लिए। BNN टाइम की रिपोर्ट चिकलाबान से संदीप वाघमारे।